हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही एक्साइटिंग और रहस्यमयी जगह है जो अनगिनत अद्भुत चीजों से भरा हुआ है। 8 प्लैनेट्स के अलावा अनगिनत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट सूरज का चक्कर लगाते हैं, जिनमें एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोरॉइड्स शामिल हैं। इनमें से कुछ चांद हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स जो अपने पेरेंट प्लैनेट्स के आसपास घूमते रहते हैं, और इनकी अपनी अलग अलग कहानियां हैं। कुछ प्लैनेट्स जैसे मर्क्यूरी और वीनस के पास कोई चांद नहीं है, जो उन्हें और भी यूनिक बनाता है। वहीं दूसरी तरफ जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लैनेट्स के पास डजन्स ऑफ मून्स हैं, जो उनके चारों ओर डांस करते हैं। ये सेलेस्टियल कंपेनियंस अपने साइज, कॉम्पोजिशन और यहां तक कि लाइफ को सपोर्ट करने की क्षमता में भी बहुत अलग अलग होते हैं, जो उन्हें और भी फैसिनेटिंग बनाता है। आज हम अपने सोलर सिस्टम के तीन सबसे इंटरेस्टिंग मून्स, यूरोपा, गैनीमेड और टाइटन की यात्रा पर निकलेंगे, जो अपने अनोखे गुणों के लिए जाने जाते हैं। ये मून्स धरती के अलावा लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में दिलचस्प हिंट्स देते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हर एक में कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिन्होंने साइंटिस्ट्स को डेकेड से फैसिनेट किया है और हमारी कल्पनाओं को हवा दी है, जिससे हम और भी जानने के लिए उत्सुक होते हैं। मेरे साथ आइए और इन एलियन वर्ल्ड्स के रहस्यों में उतरते हैं, जहां हर कदम पर एक नया सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा है। उनकी खूबसूरती को देखकर दंग होने के लिए तैयार हो जाइए और लाइफ के सबसे बड़े क्वेश्चंस में से एक के जवाब जानने के लिए उत्सुक हो जाइए। क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या कहीं और भी लाइफ का अस्तित्व है? आइए एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं और इन अद्भुत मून्स की गहराइयों में उतरते हैं। जुपिटर के सबसे बड़े मून्स में से एक यूरोपा स्पेस के अंधेरे में चमकता है। यह चमक इसकी आइसी सरफेस की वजह से है, जो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। इसकी सरफेस सफेद और नीले रंग का एक शानदार एक्सपेंस है, जो धरती पर मौजूद किसी भी चीज से अलग है। यह दृश्य एक फ्रोजन वंडरलैंड की तरह है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। यूरोपा बर्फ की एक मोटी परत से ढका हुआ है, जिस पर लंबी लाल भूरे रंग की दरारें हैं। ये दरारें एक इंट्रिकेट नेटवर्क की तरह दिखती हैं, जो इसकी सतह को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। ये फीचर्स जमे हुए एक्सटीरियर के नीचे एक डायनामिक वर्ल्ड होने का इशारा करते हैं। यह डायनामिक वर्ल्ड शायद एक एक्टिव जियोलॉजिकल एक्टिविटी का परिणाम हो सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि यूरोपा के बर्फीले शेल के नीचे एक विशाल सॉल्टी ओशन हो सकता है। ये ओशन शायद कई किलोमीटर्स गहरा हो सकता है, जो इसे और भी इंट्रीगिंग बनाता है। ये ओशन जो शायद धरती के सभी ओशंस को मिलाकर भी बड़ा हो, जुपिटर और उसके दूसरे मून्स के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से लिक्विड रहता है। ये ग्रेविटेशनल पुल यूरोपा के अंदरूनी हिस्से को गर्म रखता है। टाइडल फोर्सेस हीट जनरेट करती हैं, जिससे यूरोपा का इंटीरियर गर्म रहता है, और शायद ऐसी कंडीशंस बनती हैं जो लाइफ के लिए सूटेबल हो सकती हैं। यह गर्मी शायद हाइड्रोथर्मल वेंट्स के रूप में भी हो सकती है। यूरोपा की सरफेस पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, की मौजूदगी का पता चला है। ये मॉलिक्यूल्स शायद माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म्स के संकेत हो सकते हैं। ये मॉलिक्यूल्स नीचे ओशन से आ सकते हैं, जो बर्फ में दरारों से ऊपर आ गए हैं। यह ओशन एक पोटेंशियल हैबिटेट हो सकता है। स्पेस के हार्श रेडिएशन से सुरक्षित यूरोपा का हिडन ओशन एक रोमांचक पॉसिबिलिटी पेश करता है। क्या यह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का घर हो सकता है? ये सवाल हमें और भी एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित करता है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून गैनीमेड प्लैनेट मर्क्यूरी से भी बड़ा है। यह मून इतना विशाल है कि इसे एक मिनी प्लैनेट भी कहा जा सकता है। यह विशाल वर्ल्ड अपने आप में कॉन्ट्रास्ट है, जहां इसका डार्क एंशिएंट टेरेन लाइटर यंगर रीजन्स के साथ जक्स्टपोज्ड है। इसकी सरफेस पर कई तरह के जियोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। गैनीमेड एक यूनिक डिस्टिंक्शन भी रखता है। यह एकमात्र ऐसा मून है जिसके पास अपना खुद का इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड है। यह मैग्नेटिक फील्ड इसे और भी खास बनाता है। यह मैग्नेटिक फील्ड
गैनीमीड के पोल्स के आसपास ऑरोरास यानी लाइट के शिमरिंग कर्टन्स बनाता है। ये ऑरोरास देखने में बहुत ही मेस्मराइजिंग होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी बताती है कि गैनीमीड में एक मोल्टन मेटालिक कोर है। ये कोर गैनीमीड के मैग्नेटिक फील्ड को जेनरेट करता है। गैनीमीड के इमेंस साइज के साथ साथ यह कोर साइंटिस्ट्स को यह मानने पर मजबूर करता है कि इस मून पर एक सब सरफेस ओशन भी हो सकता है। यह ओशन गैनीमीड के आइसी क्रस्ट के नीचे छिपा हो सकता है। हालांकि गैनीमीड का पोटेंशियल ओशन बर्फ की परतों के बीच सैंडविच्ड है, फिर भी यह लाइफ के लिए एक हैबिटेट प्रोवाइड कर सकता है। यह ओशन लाइफ के लिए जरूरी एलिमेंट्स को भी कंटेन कर सकता है। ओशन, रॉकी मेंटल और ऊपर आइस के बीच इंटरैक्शन एक कॉम्प्लेक्स और पोटेंशियली हैबिटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। यह एनवायरनमेंट लाइफ के लिए अनुकूल हो सकता है।